वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जेट के पेपर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, जेट का पेपर कल है 12 तारीख को। आई होप आप सब लोगों ने एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे और सेंटर्स आपने देख लिए होंगे कि कहां पर पड़ता है और हमें किससे जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, जिन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको पेपर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको सबसे पहले तो टाइम से पहले पहुंचना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लेट हो जाते हैं, जो जिस भी बस से जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ भी मतलब लेट हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 120, मतलब 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं। सपोज करो जैसे एग्रीकल्चर से भरा है आपने, तो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, इस टाइप से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ बेसिक्स बातें मैं आपको बता देता हूं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जब आप आपकी ओएमआर सीट वगैरह भरे तो बिल्कुल अच्छे से भरे, जो सर्कल वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से राउंड करें, बिल्कुल पूरा का पूरा राउंड बिल्कुल अच्छे से बनाए, ना तो बाहर निकाले ना उसको छोटा रखे। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जो आपका जो राउंड वगैरह होगा ना, उसके मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप उसको गलत करते हो तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। दूसरी अगली बात मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे पेपर सोल्व कर रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है पेपर में टिक कर लिए, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, इस टाइप से। और उसके बाद में आप करते क्या हो कि आपकी जो ओएमआर सीट है उसमें सिर्फ पॉइंट बना लेते हो। क्या करते हो, पॉइंट बना लेते हो, मतलब डॉट बना लेते हो और उसको पूरा नहीं भरते हो, सोचते हो कि लास्ट में भरेंगे। और जब लास्ट में टाइम हो जाता है तो आप जल्दी जल्दी से पूरे पूरे सर्कल बना देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कल है वो थोड़ा सा गलत बन जाता है या फिर ऊपर नीचे बन जाता है, उसकी वजह से आपके मतलब प्रॉब्लम हो सकती है मार्किंग में। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि पूरा सर्कल बनाए, बिल्कुल अच्छे से बनाए टाइम को देखते हुए। अगली बात का ध्यान आप ये रखिए कि जब जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई भी, तो उसका सर्कल साथ के साथ में बनाते हुए बिल्कुल अच्छे से चले। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दे, ऐसा नहीं है कि उसका तुक्का लगा दे, ए बी सी डी, इनमें से जैसे बी लगा दिया आपने, ऐसे भर दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होगी तो एक मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमने बी लगा दिया, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हमने बी पे सर्कल कर दिया, राउंड बना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमारे मन में आइडिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या था, डी था। और उस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डी वाले पे भी सर्कल बना देते हैं। अब हुआ क्या कि बी पे और डी दोनों पे सर्कल बन गया, और दोनों पे सर्कल बनने की वजह से क्या हुआ, उन दोनों के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सपोज करो अगर राइट बी होता ना तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और डी होगा तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कंडीशन कैसी हो गई कि आपने दो पे सर्कल बना लिए, और जैसे आप दो पे सर्कल बनाते हो तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको जो सर्कल बनाना है सिर्फ एक ही ऑप्शन पे बनाए, और वो भी बिल्कुल अच्छे से बनाए। अब बात करें कि हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फसीना आ रहा है थोड़ा सा यार, तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बिल्कुल अच्छी हो। कहने का मतलब, अगर आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन करें, उसके बाद भी बायो के करें, फिर केमिस्ट्री के करें, क्योंकि केमिस्ट्री सभी स्टूडेंट्स की थोड़ी सी वीक होती है, तो आप उसको बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। सपोज करो जैसे आपको एग्रीकल्चर पे कमांड अच्छी है तो आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करें। अब जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन करोगे, 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टाइम 2 घंटे का मिलेगा, 120 क्वेश्चन होंगे टोटल तीनों सब्जेक्ट के मिला के, ठीक है, टाइम 2 घंटे का मिलेगा आपको, 11 से 1 तक आपका पेपर चलेगा। अब जैसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कर रहे हो आप, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, अगर फोर्थ आपको नहीं आता है तो उस पे जबरदस्ती गोला नहीं लगाना तुक्का लगा के, ऐसा करोगे तो माइनस मार्किंग होगी और आपके नुकसान हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दे। लास्ट में पूरे गिने कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और किन किन पे आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये गलत हो सकते हैं, तो आप गलत तो करें ही ना, मेरा कहने का मतलब है जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। चाहे आपको 120 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चन आए, 60 आए, 40 आए, जो भी आप करते हो, या फिर पूरे के पूरे 120 करते हो, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर आप करें। अब देखो, जब भी आप एंट्री वगैरह फिल करें तो उसमें क्या है, इन्विजिलेटर आपके 10-15 मिनट ले लेता है, मतलब फोटो वगैरह चिपकवाने में, सिग्नेचर करवाने में, एंट्री फिल करवाने में, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, टाइम का मैनेज बिल्कुल अच्छे से करना है। और हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है,
जो जेट का एग्जाम है बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो जेट का एग्जाम होता है वो बेसिकली 11th और 12th पे बेस होता है, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने थोड़े दिन पहले से भी पढ़ाई करना स्टार्ट किया है और अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो करीबन करीबन आप एग्रीकल्चर और बायो के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, करीबन करीबन आप 30 क्वेश्चन होंगे 25-30 से तो नॉर्मल आप कर लोगे, क्योंकि 2018 में जो जेट का पेपर हुआ था उसमें जो 40 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, उनमें से 31-32 क्वेश्चन मेरी वीडियो से पूछे गए थे, कैप्टन एग्रो चैनल से पूछे गए थे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2016, 2017, 2018 की जो जेट के पेपर है अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उनको जरूर देख ले, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि पेपर कैसे होता है, किस टाइप से ऑप्शन मिलते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगली बात क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे हिंदी वाला क्वेश्चन है उसके ऑप्शन ए हैं और उसी का इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें ऑप्शन बी है वो थोड़े अलग अलग दे रखे हैं, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इंग्लिश वाला ही सही करना है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश का ही मान्य होता है, जो पेपर होगा वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, दोनों में आएगा, तो उस बात का ध्यान जरूर रखना है आपको कि थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखते हुए चले, कई बार क्या होता है इंग्लिश में सही होता है और हिंदी में हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है तो उससे हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं जो आपको सबसे पहले आता है बिल्कुल अच्छे से और साथ के साथ में राउंड बनाते हुए चले, सर्कल बनाते हुए चले, ताकि बिल्कुल आपका टाइम से टाइम टू टाइम चलता रहे आपका पेपर। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जेट का पेपर बिल्कुल ईजी होता है, आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो जो जेट का पेपर होगा इसके आंसर की ऐसे तो 17 तारीख को आएगी, लेकिन जैसे कल जैसे जेट का एग्जाम होता है तो उसके 2-3 घंटे बाद ही मैं आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा, कैप्टन एग्रो चैनल पे आपको आंसर की मिल जाएगी। बस आप इतना सा काम करें कि जैसे जिनका भी कल एग्जाम है सबका जेट का, तो जो ऐसे कोई किसी का सेंटर कोटा में आया है तो मुझे मेल जरूर कर दे कि सर मेरा सेंटर कोटा में आया है, यहाँ यहाँ पर आया है, ताकि मुझे पेपर मिल जाए जेट का। या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे आपका पेपर होता है तो पेपर के फोटो क्लिक करके आप मुझे मेल जरूर कर दे आपका पेपर, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको कल ही 2-3 घंटे बाद आंसर की मिल जाएगी जेट के पेपर की, और जो आपके मेन आंसर की है जो आएगी ऑफिशियल वेबसाइट से वो 17 मई को आएगी। कब आएगी? 17 मई को। और अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो 19 तारीख तक आप अपना ऑब्जेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। और आपको जो काउंसलिंग वगैरह करवानी है वो कब करवानी है? 28 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो एक और बात का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, हम एग्जाम दे लेते हैं जेट का, उसके बाद में गांव चल जाए, जो गांव में रहते हैं स्टूडेंट वो गांव में चल जाते हैं, तो होता क्या है कि हमें पता नहीं लगता कि इसकी जो काउंसलिंग डेट है कब है, और काउंसलिंग नहीं करवाते, भूल जाते हैं, उसकी वजह से हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, और जब प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो बीएससी करने के लिए, तो वहां पे मतलब इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल वगैरह इतने अच्छे से नहीं करवाए जाते, जो स्टडी होती है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं करवाई जाती जितनी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल अच्छे से वहां पे आपको पढ़ाई कराई जाती है। क्योंकि जो जेट का एग्जाम होता है किस लिए होता है? ताकि आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कर सके। अब बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स का क्या मतलब है कि जो बीएससी है 4 साल की होती है, ठीक है, और इसको सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ऐसे आपके टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको बिल्कुल वहां पे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो आप जब जेआरएफ का एग्जाम दोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बीएससी में से जेआरएफ का एग्जाम होता है और बहुत इजी होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। जेआरएफ का एग्जाम किस लिए होता है? ताकि आप वहां से एमएससी कर सके। ठीक है, जैसे जेट का एग्जाम होता है बीएससी करने के लिए, ऐसे जेआरएफ का एग्जाम किस लिए होता है? एमएससी करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम कैसे करना है। वापस से बता देता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, टाइम का ध्यान रखते हुए चलना है, जो आपके सर्कल है, जो राउंड बनाओगे आप आपके ओएमआर सीट में, बिल्कुल अच्छे से बनाए, और उसमें जो रोल नंबर भरो ना आप बिल्कुल अच्छे से भरे। रोल नंबर में भी आपको मतलब राउंड बनाने पड़ेंगे, पहले तो आपको नंबर में लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे आपको राउंड बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए सारे के सारे राउंड अच्छे से बनाए, क्योंकि वहां पर व्हाइटनर नहीं चलेगा, अगर आप व्हाइटनर मतलब व्हाइटनर अलाउ नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से कोई भी गलती नहीं करनी है। और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सोच समझ के करना है। कई बार कंडीशन क्या होती है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कोई भी और उसका ऑप्शन हमें ए जो है वो राइट लग रहा है, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ा ए और उसी को राइट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि ए वाला ऑप्शन राइट ना होके बी वाला, सी वाला या डी वाला हो सकता है, तो सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से देखने हैं, उसी के बाद में आपको टिक करना है, राउंड करना है अच्छे से कि आपका आंसर क्या था,
और हाँ दोस्तों, तुक्का ना लगाए, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो आपके बहुत सारे मतलब मार्क्स काट लिए जाएंगे। हो सकता है जहां आपके 200 मार्क्स आ रहे होंगे वहां सोई रह जाए, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोचिंगों से तैयारी की होगी, बहुत सारे होंगे जिन्होंने नहीं की है, तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है आपको, क्योंकि निडर होके पेपर देना है। अगर आप निडर होके पेपर दोगे तभी आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से जाएगा। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उनको भी नहीं डरना है, बस वो एग्जाम में जाए और बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे। और ऐसा नहीं है कि पूरे 120 के 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे उनमें से हमें आता ही नहीं हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको चाहे 40 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, जो राइट है उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, गलत नहीं करना है। अगर आप गलत करते हो तो माइनस मार्किंग होगी, जिससे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और आपके काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कॉलेज मिलने में बाधा आ सकती है। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करना न भूले। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बात और बता देता हूँ लास्ट में, कि जो भी मैंने वीडियो डाल रखी है ना, एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि सिर्फ जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं, जो वीडियो डाल रखी है, सिर्फ जेट के लिए है या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए है। क्योंकि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, सारे के सारे ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है। और बायो के जो भी मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, सारे के सारे मतलब जितने भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उन सब में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो वीडियो मैंने डाल रखी है, अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाली है, उनको आप जाकर जरूर देख ले, और 2018, 2017, 2016 का जेट का पेपर आप जरूर देख ले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आप सब बिल्कुल एग्जाम जो दो बिल्कुल अच्छे से दो, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय जवान जय किसान।